तो गाइस देखो अपनी मंजिल ना धीरे धीरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल जितना पास पहुंच रहे हैं भाई, लग रहा है जैसे एक पेंटिंग कर रखी हो किसी ने। इस तरफ से आए हम और जैसे ही हम यहाँ मुड़े देखो ये रहा बाबा का मंदिर। डरो मत, आ जाओ यहाँ से। ए यार आ जाओ, शॉर्टकट तो यही शॉर्टकट है। गाइस देखो जितना ऊपर जा रहे हैं ना हमारी मंजिल देखो उतनी पास अच्छी दिख रही है। देखो पता है जैसे ना आंखों से देख रहे हैं हम, लग रहा है पता है जैसे लग रहा है वैसे बोले तो पेंटिंग होती है, वाइट कलर का किसी ने पेंट कर दियो ऐसे लग रही है बर्फ, जैसे लाइट लगा के वाइट कलर की पेंटिंग कर दियो और LED बल्ब लगा दियो बस। इतनी प्यारा लग रहा है ना सामने से, पर वीडियो में ऐसा नहीं लगेगा जैसे आंखों से दिख रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और भाई जन्नत है भाई कसम से। अभी बस यहाँ से 8-7 किलोमीटर और है रहा है, तो भी 7 किलोमीटर बचा है बस। और अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं पत्थर के रास्ते से। देखो सब ट्रैकिंग कर रहे हैं केदारनाथ में अच्छी वाली। सब देखो शॉर्टकट से बचने के लिए यहाँ से जा रहे हैं हम पहाड़ से, सब चढ़ के रेडी देख के चलना। चलो ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, चलो चलो देख के चलो। तो हम इन पहाड़ों पे से ऊपर चढ़ गए और भाई यहाँ से व्यू इतना प्यारा आ रहा है भाई, दूर दूर तक के पहाड़ों में जो बर्फ है वो दिख रही है। चलो 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 अभी गए यहाँ से ना 7-8 किलोमीटर है। मैंने अभी पूछा तो कह रहे जो बोर्ड पे लिखा है ना उससे मत जाना, यहाँ से भी 7 किलोमीटर हो रहा है। जय शिव शंकर। तो अभी शाम के बज चुके, कितने बज गए रेडी जो शाम के बज गए 5:30। तो कह रहे भी आपको 3-3.5 घंटे और लेंगे, मतलब 8 बज सकते हैं 9 बज सकते हैं कुछ नहीं पता भाई। शॉर्टकट जरूर है लेकिन हालत खराब है। एक रास्ता है वैसे जहाँ से खच्चर घोड़े जाते हैं, एक शॉर्टकट का रास्ता वहाँ से जा रहे हैं। खड़ा है बहुत पर कोई नहीं। अब गाइस ये वाले दिख रहे हैं पहाड़, देखो ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ भी देखो बर्फ़ जमी हुई है, तो ऊपर से आ रहा है पानी है और उस बर्फ़ से ये वाली बर्फ़ से होते हुए ये देखो यहाँ निकल रहा है, तो पैर लग रहा है ना। तो कैसे भी यहाँ से और ऊपर जाना है और ऊपर तो अभी और कड़ी चढ़ाई हो जा रही है। हमें बताऊँ 12 घंटे से भी ज़्यादा होगा चलते चलते, पता है बोल कर था कि ये चढ़ाई 9-10 घंटे की होगी, पर 12 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने अभी तक नहीं कहना कितना टाइम हो गया, पर फिर भी बाद में बताऊँ कि टोटल कितने घंटे में पहुँचे। आपको दिखाऊँ मैं एक चीज़, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ क्या देख रहा हूँ। अब भाई मेरे को साफ दिख रहा है बस, अब मेरे को ये है बस कि यहाँ से जाना है। अब पर दूर तो बहुत है, पर फिर भी पर एक दिल को तसल्ली मिल जाती है कि भाई बस यहीं पर ही है। व्यू तो प्यारा आ रहा है। गाइस देखो अपनी मंजिल ना धीरे धीरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल जितना पास पहुंच रहे हैं भाई, लग रहा है जैसे एक पेंटिंग कर रखी हो किसी ने, पर रियल है। और देखो थोड़ी थोड़ी धूप भी पड़ रही है, इतना प्यारा लग रहा है ना भाई। और देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है देखो वहाँ से, दिख रहा है ये रहा। और बाकी आसपास का व्यू कुछ ऐसा है। चलो ये देखो वाइट वाइट बर्फ है यहीं पर ही है, देख केड़ देख के। वरना खच्चरों ने घोड़ों ने तब ध्यान कर रखा है ना कि हमें चलने की जगह नहीं मिल रही, खुद धक्का मार मार के साइड कर रहे हैं। रेडियो गुस्सा आ गया अभी, हद कर रखी बिल्कुल यार, रास्ता अलग होना चाहिए ना थोड़ा सा। देखो कितने घोड़े हैं, देखो जाओ जाओ भाई। 2-3 बार तो मैंने आंखों के सामने देखा कि घोड़ा गिरा और घोड़े के ऊपर जो आंटी बैठी थी वो भी गिरी, वो भी सर के बल। पर ज़्यादा चोट नहीं है, वो तो लक है। पर यहाँ भाई घोड़ा करना सेफ नहीं है क्योंकि फिसलते ज़्यादा है भाई।
हेलीकॉप्टर से आ जाओ, सेफ है। तो मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। अब जा रहे हैं हम शॉर्टकट से, यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा वहाँ। चलो चलो, उतरना पड़ेगा। एक फैक्ट है, देखो स्टार्टिंग में रेडी जब चढ़ाई स्टार्ट हुई थी, मैं लग रहा था कितनी मुश्किल है, फिर जब मेन चढ़ाई स्टार्ट हुई अब पता लगा वो तो आसान थी, अब मुश्किल है। पर जितना धीरे धीरे मंदिर रेडी पास आ रहा है ना भाई, जितना मंदिर पास आ रहा है उतनी हमारी चढ़ाई और मुश्किल होती जा रही है, बताऊँ मैं। चलो चलो चलो, उतनी और खड़ी होती जा रही है, उतनी मुश्किल होती जा रही है। बोलो शंकर, जितना मंदिर पास आया गाइस उतनी ट्रैकिंग मुश्किल होगी, बस ये तो याद रखना आप। एड़ी जड़े वाले पकड़ लो, ये जड़े हैं ना, ये पकड़ लो, पकड़ लो। रुको 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 रुको, हाथ दो हाथ दो हाथ दो ना आप। चल चल पकड़ लो चल। तो गाइस अभी ना शाम के बज चुके हैं 7:30 हो गए और अब अंधेरा होने वाला है। अभी भी पता नहीं कितना दूर है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा हम कितने बजे पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से हम 10 बजे ही पहुंचेंगे अब केदारनाथ मंदिर के पास। तो अब तो अंधेरा भी हो गया, अब जो लाइट्स लगी हैं उसके सहारे ही पूरी रोशनी आएगी यार। ओ मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, हा नाथ तेरा जग में डमरू 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 हाजिराया, डंका डमरू कुछ बोल सकता हूँ। ओ मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, तेरा जग में डमरू बाज रहा, ओ तेरा जग में डमरू बाज रहा बाबा। ओ तेरा जग में डमरू बाज रहा, ओ मेरे आ, क्या बात है। ओ मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, हा नाथ तेरा जग में डमरू बाज रहा। वाह मजा आ गया। चलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई यहाँ से अभी 4-5 किलोमीटर बचे हैं, तो मैं भी रुक गया बीच में, आलू का परांठा मंगाया है, थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर अभी 2 घंटा और चलना है हमें, फिर हम मंदिर के पास पहुँच जाएंगे, वहीं पर लेंगे अपना कैंप, फिर बाकी देखते हैं। तो पहले ये खाते हैं, और मैगी भी आ चुकी है अपनी, गिरी मैगी, आलू का परांठा और चाय। तो भाई थोड़ा बहुत खा लिया, अब चलते हैं ऊपर, चढ़ाई करते हैं अपनी। और यहाँ से ना बता रहे हैं 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 4-5 किलोमीटर तो पक्का है। तो चलते हैं, और पता रात हो चुकी है, ठंड हो रही है बहुत कड़ाके की, ठंड हो रही है। अब ग्लव्स भी पहनेंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर पहनेंगे ग्लव्स अभी भाई, टोपियाँ ना मैं ओढ़ लेता हूँ, अब कान पे ठंड लग रही है मेरे। तो गाइस फाइनली यहाँ से मंदिर बस अब 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर मैक्सिमम, और अभी तो अंधेरा हो रहा है, वरना ना आपको चारों तरफ बर्फ़ वाले पहाड़ दिखते हैं, जो मैं पहले आपको दिखा रहा था ना, देखो मेरी मंजिल नज़दीक है, उसी पहाड़ पर हूँ मैं, वहीं चल रहा हूँ मैं, पर अभी अंधेरा हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, पर आज थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, आपको ये दिख रहे हैं पहाड़ सारे, ये सारे बर्फ़ है, सब बर्फ़ है, सारा प्योर बर्फ़ है। अरे भाई, और मैं बर्फ़ के ऊपर ही चल रहा हूँ, पर ये बर्फ़ थोड़ी सी गंदी हो रही है, वरना ये प्योर बर्फ़ है। देखो देखो प्योर बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर ही चल रहे हैं हम तो रेडी। जिस रास्ते के ऊपर से हम जा रहे हैं ना, ये पूरी बर्फ़ है, पर देखो यहाँ थोड़ी मिट्टी हो रखी है, देख रहे हो। मैंने पहली बार बर्फ़ देखी है इतनी सारी, ये देखो बर्फ़ है सारी है, और हम रेडी बर्फ़ के ऊपर से आ रहे थे ना अभी, ये देखो सारी बर्फ़ है, इधर भी पड़ी है स्नो रेडी। गंदी क्यों रखी है, इस पर लोग आते हैं इसलिए जाते हैं। अच्छा उसको हाथ में ले सकता हूँ मैं, ये ले ले, ये मारना है, मारना स्नो, पहली बार स्नो हाथ में लिए, और ये ना लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम पहाड़ों की बर्फ़ हाथ में लिए, वो भी ऐसे टूट भी नहीं रही, पता है पूरा मजा रखा है। आपको लग रखा होगा ये बड़ी सॉफ्ट बर्फ़ है, पर बहुत हार्ड है। अभी हम यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ठंडी इसलिए लग नहीं रही है, वरना बहुत है भाई। अभी रुक जाएंगे ना, चढ़ाई अभी भी है, तो भाई बर्फ़ दिख गई। यहाँ का रास्ता ना बड़ा कीचड़ वाला है यार, बड़ा कीचड़ हो रही है पूरे रास्ते में। क्या हुआ, उस तरफ सूखा है ना, सूखे से चलेंगे। पता नहीं पूरे रास्ते में कीचड़ हो रही है जब से आ रहे हैं। मैंने पता ही सोचा था कि मैं दिन के वक्त यहाँ पर आऊँगा, तो आपको यहाँ का खुला नज़ारा दिखाऊंगा कि है कैसा, कैसा रास्ते हैं और बर्फ़ वाले पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। और कोई बात नहीं, दर्शन तुम्हारे सुबह ही होंगे, पर रात में ट्रैकिंग करना भी जरूरी है, ट्रैकिंग तो है ये, तो रात हो गई। देखो हम सुबह के, हम पिछली रात के निकले हुए हैं और अब अगली रात हो चुकी है,
11 बज गए देख लो भाई, टोटल कितने घंटे का रास्ता है मैं अब क्या ही बताऊं, 24 घंटे होने ही वाले हैं। तो गाइस यहाँ पूरी कीचड़ कीचड़ है, तो फिर भी सूखा है, पीछे तो और भी कीचड़ है। कोई नहीं, चलते हैं। और ये देखो मेरे सामने क्या है, ग्लेशियर्स पूरे। यार सुबह दिखाऊंगा मैं, धसिया पैर। चलो चलो। तो गाइस फाइनली यहाँ से बस अब आधे पौने घंटे का रास्ता बचा है, 1.5 किलोमीटर बस भाई। किलोमीटर जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। इस समय हम इतने ऊपर है, ठंड बढ़ चुकी है। अभी हम बीच में रुके थे थोड़ा चाय पीने के लिए, फिर से शरीर ठंडा पड़ गया। ठंड भाई बहुत बढ़ चुकी है, कोई नहीं, मज़ा तो आ रहा है। पर डैडी आराम आराम चल रहे हैं बेचारे। बेचारे क्या यार, डैडी ने ना बहुत, डैडी वैष्णो देवी गए हैं, बहुत बार गए हैं ऐसी जगह, पर डैडी केदारनाथ फर्स्ट टाइम आए हैं। और अब आया जब बेड में थोड़ी सी कमजोरी आ गई यार, अब टेंशन इतनी है यार आजकल, मेहनत इतनी करते हैं रेडी, तो थोड़ी बहुत हो जाता है। पर फिर भी डैडी नीचे से ऊपर तक पैदल यात्रा ही करिए भाई, देख लो हिम्मत है। और हम देख लो आजकल के यूथ, अगर हमारे पैरों में दर्द इतना हो ना तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। पर डैडी के पैरों में स्टार्टिंग से बहुत दर्द था, पैड फिर भी बाबा का नाम लेते लेते मेरा हाथ पकड़े चलते रहा बस। और देखो बस अब आधा घंटा बचा धाम पहुंचने में, यहाँ से आ रहे हैं रेडी। और ऐसे देखो मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा हम वहाँ से आए हैं, जो दिख भी नहीं रहा ना आपको, हम पता नहीं कहाँ से आए, बहुत नीचे से आए हम तो भाई। तो गाइस बस फाइनली 1 किलोमीटर रह गया, अब ना सीधी नहीं है चढ़ाई हमारी, अब बस प्लेन प्लेन है ज़्यादा, तो इतना दिक्कत नहीं हो रही। और अभी दीदी का वीडियो ला रखा है, दीदी हाय बोलो, बोलते रहे दीदी, हाय बोलो हाय। तो देखो कुछ ऐसी चढ़ाई है अब, सीधी सीधी बस, अब चढ़ाई नहीं है, अब मतलब सीधे सीधे रास्ता है अब। फाइनली भाई अब 1 किलोमीटर बाद मैं केदारनाथ धाम के बस पहुंच जाऊंगा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी भाई इतने टाइम बाद। थक गया मैं, पता हूँ थका तो अभी भी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी नींद ना पूरी नहीं हुई, बस उसकी थकान है वो। हाथ पैर तो अभी भी ऐसे हैं कि दर्शन करके वापस चले जाऊँ ऐसी की ऐसी। तो भी चलते चलते देखो फूल प्लेन आ गया, अभी पता नहीं कितना दूर है, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से ऊपर जाना है, ये फिर चढ़ाई आ गई, उधर से ये तो फिर चढ़ाई आ गई, उधर से चले, कहाँ से कहाँ से लोग तो यहीं से जा रहे, फिर चढ़ाई आ गई। बताओ अभी मैं लगा कि हम उतर चुके हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1:40, लगभग 24 घंटे हमें हो चुके हैं, पूरे नहीं हुए, हो चुके हैं मतलब ऐसे निकले हुए यात्रा के लिए, और हमारी मंजिल केदारनाथ धाम की पूरी हो चुकी है। आपको दिख रहा है पीछे मंदिर, जो लाइट जल रही है ना ये गोल गोल सी, ये मंदिर का टॉप दिख रहा है हमें यहाँ से। बस अब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता हो रहा है और केदारनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे हमें, तो चलते हैं। बड़ा एक्साइटेड है ना एडी, बहुत मुश्किल से पहुँचाऊंगा, और ये लेके आया मेरे को बहुत बहुत धक्के लगा लगा के। चलो डैडी चलो, देखो हमारी मंजिल डैडी हमारे पीछे है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब पता मन, अब पता देखने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि देख के ना फिर वापस जाना पड़ेगा। देखने का मन इसलिए नहीं कर रहा मेरा क्योंकि मुझे लग रहा है कि दर्शन करके वापस जाना पड़ेगा यार, वापस जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, थोड़े दिन करने का मन कर रहा है। चलो जैसा भी है दर्शन करने चल रहे हैं, चलो दर्शन अभी तो नहीं होंगे फिलहाल, जैसा भी है। देखो मेरे को नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, और हमने ना रास्ते में पूछते पूछते आ रहे हर किसी से, तो हर कोई अलग एडवाइस देता है, अलग अलग तरीके की अलग बात बताता है, तो अब यकीन किस पे करें। तो हमने सोचा कि हम यकीन करें खुद पे, जाके देखेंगे जो होगा आपको बता देंगे ना डैडी। तो हम आपको सच बताएंगे, यहाँ पर कम से कम 100 लोगों से पूछा है, 100 लोगों ने अलग जवाब दिए, अलग राय दी है, अलग बातें बताई हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ से बोले लो, या फिर एंट्रेंस नहीं है, या रास्ता नहीं खुला हमने, पर हमने मानी अपनी, सब कुछ खुला है। हम पहुँचे ना तो वही है, आपको हम सच्चाई दिखाएंगे बस जो है, ठीक है। ये वाली जो है ना गोल लाइट, ये केदारनाथ मंदिर का टॉप है। तो कैसे हम ऊपर आके इस ब्रिज से आए थे, और ब्रिज से आके हमें यहाँ जाना है, यहाँ से रास्ता है मंदिर का।
चलते हैं यहाँ से अंदर। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जाके अंदर राइट होना है और वहाँ से बाबा का धाम आ जाएगा। और हमारा ये प्लान था ना कि यहाँ पर आके हम टेंट ले लेंगे, तो पता किया अभी तो कह रहे हैं सब फुल है। हे भगवान। तो वैसे अंदर तो आ गए, और मेरे पीछे देखो दिख रहा है केदारनाथ धाम। आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं, एकदम से ना देख एकदम से आंखें ऐसी हो गई भाई एकदम से। हम इस तरफ से आए हम, और जैसे ही हम यहाँ मुड़े देखो ये रहा बाबा का मंदिर। जय श्री केदार। एडी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और 24 घंटे की चढ़ाई करने के बाद बाबा ने बुला लिया अपने मंदिर में, चलो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, और 24 घंटे लगे हमें, मतलब पूरे 24 घंटे नहीं पर आसपास 24 घंटे लगे हैं। हमने 3 घंटे रेस्ट करा है बस, वो नहीं गिन रहा तो मतलब 21 घंटे लग गए हमें आने में, क्योंकि हम आराम आराम से आए हैं। और केदारनाथ धाम देखने एकदम से भाई दिल उभर आया मेरा, से बता रहा हूँ। तो ना अभी हम केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं, हमें जैसा भी हम आए बड़ी मुश्किल से आए हैं, और एकदम से हमने मंदिर देखा तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि जो हम इतने YouTube पर वगैरह पे देखते थे कि केदारनाथ धाम मंदिर ये है, और लेकिन जब एकदम से अचानक सामने हमने देखा तो बस हमारे भाव आ गए। तो अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और लाइफ में पता है ना डैडी ने ना मैंने कभी इतनी ऊंची चढ़ाई कभी नहीं करी। और वैसे तो लोग कहते हैं कि 18 मीटर की 16 मीटर की है, पर असली में शायद एक भाई ने बताया था कि असली में ये 26 किलोमीटर की चढ़ाई, अगर पूरी देखी जाए तो हाँ। गोरीकुंड से देखी जाए तो जैसी भी है, कैसे ना कैसे बाबा ने बुला लिया। डैडी तो सोचते थे कि मैं वो कर लेता हूँ पिट्ठू उस पर जाऊँगा, पर बाबा की मर्जी थी तो डैडी को यहाँ तक बुला लिया भाई। तो गाइस इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। तो गाइस आप अगले ब्लॉग में देखना बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन, और इतने अच्छे दर्शन होंगे ना आप लोगों के भी मेरे साथ, यकीन रखना। और अगला ब्लॉग जरूर देखना। तो मंदिर सामने है, जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, पर वो ब्लॉग आएगा मेरा कल, तो आप कल ब्लॉग जरूर देखना। तो ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत करके डैडी नीचे से आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, वो भी पैदल यात्रा करके। तो वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। और मिलते मिलते अपने न्यू ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना दर्शन करने हैं बाबा के। तो बाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।